तो गाइस सुमो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड टुडे वी आर बी प्रेडिक्टिंग रॉयल रंबल 2024 एंड आई एम सरप्राइज्ड टू सी सिर्फ चार मैचेस, अभी तक चार मैचेस मैं देख रहा हूँ कि अनाउंस हो रखे हैं एंड आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो कि रोता है कि हाँ इतने ज़्यादा मैच क्यों दे रहे हो रॉयल रंबल में, हमें 30 मैन दो, वर्ल्ड चैंपियनशिप दो और ख़त्म करो बात। लेकिन अब थोड़ा बुरा लग रहा है, लाइक यार एक दो मैचेस और बन सकते थे, भले ही वुमेंस डिवीजन का दे दो लेकिन दे दो। खैर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के मैच से। अब देखो बाकी वर्ल्ड चैंपियनशिप का क्या, देखो सेथ रॉलिंस तो अपना इंजर्ड हो रखा है तो इसीलिए हम उनको इस बार छूट दे देते हैं। गुंथर का इतना बढ़िया रॉयल रंबल का कैंपेन चल रहा था, उसको भी क्या बोले। तो ऐसे में जो लेजिटिमेट रहता है लोगन पॉल, मेरे हिसाब से उसके लिए अच्छा चैंपियनशिप मैच मिला। ऊपर से भाई तुमने जीतने के बाद से अभी तक डिफेंड ही नहीं करी है, पहला टाइटल डिफेंस होने वाला है एंड एज आई सेड अर्लियर कि मेरे को दोनों में से किसी को भी हारते हुए देखना बड़ा बुरा लगेगा बिकॉज आई डोंट वांट टू सी केविन ओवेंस लूज बट आई डोंट वॉन्ट टू सी लोगन पॉल लूज ईदर इन हिज फर्स्ट टाइटल डिफेंस। मेरे को लगता है कि विद द चैंपियनशिप जब वो इधर उधर ले जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा फ़ोन गिर गया था बस। अब लोगन पॉल की तारीफ नहीं करनी, क्या यार कलेश हो गया। केविन ओवेंस इज माई प्रिडिक्शन, केविन ओवेंस शुड विन द चैंपियनशिप। अगला मैच है रोमन रेंस वर्सेस एली नाइट वर्सेस रैंडी ओटन वर्सेस द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स, थ्री फॉर्मर WWE चैंपियंस एंड एली नाइट, ये चारों एक साथ इस फेटल फोर में कम्पीट करने वाले हैं। और मेरी प्रिडिक्शन इस मैच के लिए ये रहने वाली है कि ये मैच तो रहने वाला है वन ऑफ दी बेस्ट मल्टी पर्सन मैच ऑफ ऑल टाइम। अगर ये इसको ऐसे बना पाए ना, मेरे हिसाब से रॉयल रंबल ओवर हो जाएगी, बस इतना ही काफ़ी है। हमें फिर और चाहिए ही नहीं, 30 मैन रंबल विनर हमें नहीं चाहिए, हमें बस तुम इस मैच का अच्छा सा रिजल्ट दे दो। क्योंकि हम लोग इस चीज़ को बड़ा एक तरीके से इग्नोर सा कर रहे हैं कि यार 30 मैन रंबल मैच है ठीक है, बट एट द सेम टाइम हमारे पास रोमन रेंस का मैच भी मिल रहा है हमें रंबल के अंदर, जो कि फेटल फोर वे जिसमें रैंडी ओटन एज स्टाइल्स और एले नाइट हैं। अब एले नाइट के लोगों ने बड़े कार्टूनिश पिक्चर निकाली, मीम निकाले कि देखो बाकी सब तो लेजेंड है, ये क्या कर रहा है इसके अंदर। ये वही लोग हैं जो कि एले नाइट को उस टाइम पे सपोर्ट कर रहे थे, बट अभी अचानक से द टेबल्स हैव टर्न। बट एनीवेज मेरे को उसके लिए कुछ भी नहीं बोलना है। मेरा ये है कि पहली बात तो मेरी प्रिडिक्शन इसमें ऑब्वियसली रोमन रेंस होने वाली, और कोई भी अगर सुपरस्टार इसमें जीतता है तो इसका ये मतलब है कि मैं मान लूंगा कि मैं सपना देख रहा था। और दूसरी बात, इस मैच के अच्छे होने के चांसेस ज़्यादा इसीलिए क्योंकि जो कनेक्शन रहे ना, जैसे कि रोमन रेंस और रैंडी ओटन का, किस तरीके से हम इनका सिंगल्स ड्रीम मैच चाहिए ही चाहिए। रोमन रेंस एंड एजे स्टाइल्स की राइवलरी रही है 2016 के दौरान, रोमन रेंस एंड एले नाइट का भी रिसेंट में कनेक्शन रहा है, एले नाइट और एजे स्टाइल्स का फ्यूचर कनेक्शन बिल्ड होता दिखाई दे रहा है, रैंडी ओटन एंड एजे स्टाइल्स का कनेक्शन जिस तरीके से रहा है, फिर चाहे वो सोलोज में लड़ रहे थे तब, या फिर जब अभी रिडल एंड रैंडी ओटन वर्सेज एजे स्टाइल्स एंड ओमोस हुआ करता था वो, तो ये जो जितना भी कनेक्शन है ना, ये सारा फेटल फोर वे में निकल के आने वाला है एंड मैं चाहता हूँ कि इसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से बुक करे WWE। अभी हम वुमेंस रॉयल रंबल मैच की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने भी फुटबॉल जर्सीज खरीदनी है जिस तरीके की ये रियल मैड्रिड की है, तो आप भी डिस्क्रिप्शन में जाकर, वहां पर आप व्हाट्सएप पे जाकर उनसे बात कर सकते हो बहुत ही सस्ते दामों में भाई, 500 रुपीज ओनली, दैट इज इनसेन। वुमेंस रॉयल रंबल मैच की बात करते, देखो यार वुमेंस रॉयल रंबल मैच में ना मेरा एसच कभी भी ऐसा नहीं रहता कि हाँ यार इसको तो मैं जीतते देखने जाता हूँ, इसके बिना तो जिंदगी नहीं रहेगी। लेकिन इस बार मेरा है फेवरेट, इस बार बेली फेवरेट है, स्पेशली अभी रिसेंट का जो मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट देखा बेली का, उसको देख के और भी ज्यादा फील आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हाँ यार इस बार बेली को ही सपोर्ट करना चाहिए, बेली शुड विन। यार एक तो पहली बात शुड डिजर्व, ये बड़े ऐसे कीवर्ड होते हैं जो कि लोग लगा के बड़ा कूल समझते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि बेली का जीतना जरूरी है बेली के लिए, लाइक नॉट फॉर WWE, नॉट फॉर फैंस, सब भूल जाओ, बट बेली के लिए बहुत जरूरी है एंड आई वॉन्ट द बेली पाथ, जो कि मेरे को अभी भी याद आता है वो रेसलमेनिया कौन सी थी यार जिसमें निक्की बेला और ब्री बेला ने बेली की बेइज्जती करी थी, आई थिंक रेसलमेनिया 2021 थी, यस 2021 थी। और भाई मैं कह रहा यार निक्की बेला ब्री तुम होती कौन हो यार, तुम कौन हो, क्या हो तुम, तो बस वही दिखाने के लिए आई रियली होप कि बेली रॉयल रंबल जीते, और अगर बेली रॉयल रंबल जीत रही है तो अगर वुमेंस का मेन इवेंट भी होता है रेसलमेनिया तो कोई सच प्रॉब्लम है नहीं, चलेगा। तो यार मेरी प्रेडिक्शन ऑब्वियसली अब बेली रहने वाली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेंस रॉयल रंबल मैच, द ओनली इंपॉर्टेंट मैच, यस अनदर इंपॉर्टेंट मैच जो कि रॉयल रंबल में देखने को मिलेगा। और इसका जो कार्ड है
जो बिल्डअप रहा है इट हैज बीन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। एज आई सेड अर्लियर, ड्रू मैकइंटायर हो गया, सीएम पंक हो गया, कोडी रोड्स हो गया, अपना गुंथर हो गया, लाइक ये चार तो लिटरली इतने टॉप के फोर कंटेंडर्स निकल के आए कि अगर मेरे को फाइनल फोर में यही चार देखने को मिलेंगे तो मैं सरप्राइज नहीं होने वाला। खैर उसके अलावा और भी सरप्राइज एंट्रेंट्स इन्होंने पहले ही लीक कर दिए, मैं सरप्राइज तो खैर क्यों ही बोल रहा हूँ, इनके ये तो एक्टिव रोस्टर में से ना, तो इनमें से कोई सरप्राइज क्यों ही होने वाला था। देन वी हैव शिंस्के नाकामुरा, बॉबी लैशली, चैड गेबल, ओटीस, अकीरा टोजावा, कोफी किंगस्टन एंड डेमियन प्रीस्ट। अकीरा टोजावा, आर यू सीरियसली सेइंग दैट? लाइक क्यों हमारा स्पॉट बर्बाद कर रहे हैं? बट मेरे को लगता है हम हमेशा ऐसे रोते हैं जैसे कभी भी WWE ने 10 के 10 लाइक मैं तो कम बोल रहा हूँ लेकिन इससे ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस रहती है, बट एटलीस्ट 10 हमें सरप्राइज दे दिए होंगे कभी रॉयल रंबल के अंदर, ऐसे तो कभी नहीं हुआ ना भाई। हम वो बंदे हैं जिन्होंने नंबर 28, 27, 29 ऐसो पे हमने टाइटस ओनील को आते हुए देखा है, ऐसो पे हमने और भी पता नहीं सिनकारा टाइप सुपरस्टार को आते हुए देखा है, तो हमें अब आदत सी पड़ चुकी है कि अकीरा टोजावा हो या फिर कोई सा भी बाजा हो हमें ले आओ। बट एक डेमियन प्रीस्ट मेरे को बड़ा खटका यार, डेमियन प्रीस्ट क्यों है इधर? बिकॉज You have a money in the bank contract and now you are going for Royal Rumble. कि इन केस अगर मैं कैश इन में फेल हो जाता हूँ तो फिर मैं इधर से मेन इवेंट कर सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ डेमियन प्रीस्ट, अगर आप मनी इन द बैंक से भी सोच रहे हो कि फेल हो जाओगे तो आप रेसलमेनिया मेन इवेंट में तो जाओ ही मत, क्योंकि वहाँ तो फिर आप डेफिनेटली फेल होने वाले हो। अगर आपको मनी इन द बैंक पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो किसी पे भी नहीं आने वाला। तो डेमियन प्रीस्ट की एंट्री मेरे को बड़ी अजीब लगी। उसकी जगह मैं डोमिनिक मिस्टीरियो को डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा था, बट डोमिनिक मिस्टीरियो आएगा तो दो स्पॉट घेरेगा, एक टॉम आएगा एक निक आएगा ना, डोमिनिक मिस्टीरियो। आर्ट्रुथ है तो बढ़िया बंदा, आर्ट्रुथ लाओ जरूर, आर्ट्रुथ आएगा ऑब्वियसली आएगा, और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है डेमियन प्रीस्ट की जगह ही आएगा। एनीवेज ये फाइनल फोर के लिए मेरी वही प्रेडिक्शन है, ड्रू मैकइंटायर, गुंथर, कोडी रोड्स एंड सीएम पंक। इस चार के अलावा तुम और कोई रख रहे हो देन प्लीज सरप्राइज मी, अदरवाइज यही चार है मेरे। फाइनल टू के लिए मैं सीएम पंक एंड गुंथर को रखना चाहूंगा, अगेन आई वॉन्ट टू सी गुंथर इन द टॉप टू अगेन। कोडी रोड्स सीएम पंक चलेगा बट मेरे को लगता है उसकी वजह से ना कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक का जो सिंगल्स मैच होगा वो पहले ही रुइन हो जाएगा, तो मैं उसको सेव करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोडी रोड्स पहले एलिमिनेट हो जाए एंड अल्टीमेटली यू नो माय विनर प्रेडिक्शंस राइट, इट इज सीएम पंक, इट हैज ऑलवेज बीन सीएम पंक और वो चेंज नहीं होने वाला। अगर विनर कोई और भी निकल गया तो भी मैं कहूँगा कि सीएम पंक जीता था, नहीं मैं सीएम पंक को बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाला हूँ इस साल के रॉयल रंबल में। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपनी प्रेडिक्शंस, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर कर चैनल सब्सक्राइब करो। बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा, तो सजा मैं 3DX चेतन अल्ट्रा रेसलिंग फैन 3DX चेतन, तो सजा मैं 3DX चेतन अल्ट्रा रेसलिंग फैन 3DX चेतन अल्ट्रा रेसलिंग फैन 3DX चेतन।